फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के शालीमार बाग थाने के बाहर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। थाना परिसर में आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी के साथ कई लोग धरने पर बैठे नजर आए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इलाके की एक महिला से क्षेत्रवासी परेशान हैं और SHO के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, थाने के अंदर एक ऐसे SHO साहब हैं जिनका नाम शेर सिंह जी है, जो क्रिमिनल प्रोटेक्टर हैं, क्राइम प्रोटेक्टर हैं। जितने क्राइम करके आओ SHO साहब के पास आ जाओ, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जो कंप्लेनर आएगा उसको कहेंगे आ जाओ तुम्हें अंदर करो, सबसे पहले इसको अंदर करो। आज वही हो रहा है। तो कंप्लेनर के अंदर करने के क्या वजह है कि SHO साहब अंदर करते हैं? क्योंकि क्रिमिनल फिर खुले में घूमेगा। जब जो कंप्लेनर अंदर होगा तो क्रिमिनल घूमेगा, और क्रिमिनल जितने भी क्राइम प्रोटेक्टर, जितने भी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने का काम SHO साहब करते हैं। और उसी तरीके से हमारे ब्लॉक में भी एक क्रिमिनल है, एक क्राइम करने वाले हैं जिनको प्रोटेक्ट करने का काम, और आए दिन हमारे ब्लॉक वासियों को कभी किसी को पीटना, कभी किसी को धमकाना, कभी किसी को मारना, कभी किसी पे कोई एलिगेशन लगा देना, वो क्रिमिनल का काम है। जो जिससे आहत हमारे पूरे ब्लॉकवासी जब मेरे पास आते हैं तो हम उसके उनकी शिकायत लेके आते हैं, तो कह रहे अरे पहले इसको बंद करो, ये क्रिमिनल है। जब मैं ब्लॉक में निकला तो मुझे पता चला कि ये पॉस्को लोगों के खिलाफ झूठे केस बनाती है, पॉस्को के केस लगाती है, जबकि हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। और दूसरी बात, मुझे भी धमकी दी गई कि तेरे पे झूठा केस लगा दूंगी, हो सकता है अपनी बेटी का पॉस्को का केस मेरे पे भी लगवा दें, कल को मुझे भी अरेस्ट करवा दें या मुझे मरवा भी दें। तो मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? या मेरी मदर को मरवा दें तो उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? आज तो ये गिरोह है छोटे से, मैं आज थाने आ गए, कल हो सकता है यहीं थाने में 10 मिनट पहले भी इन्होंने मुझे धमकी दी कि तेरे को तो हम देख लेंगे, तेरे को तो हम मरवा देंगे, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे कहते तुझे, अब एक बात बताओ, SHO साहब तो मेरी मदद नहीं कर रहे, और जबकि मैं थाने में 2 बार बोल चुका हूँ कि मुझे मारने की धमकी थाने के अंदर अभी खड़े खड़े मिल चुकी है।